पहले हमेशा नाम रखता होता है बंटी, इस दफा नाम रखा है मैंने, मतलब आपस में एक मिली भगत नाम है। और क्या नाम है गाड़ी का? और ये चीज बंटी और जवाद को बिल्कुल भी नहीं पता जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसलिए मैं आके गाड़ी में बैठा हूँ। मुझे और लग रहे हैं खड़े। क्या लग रहे हो? मुझे और लें जी, आपका भाई बैक इन पाकिस्तान। और ये आपको व्यू देख के समझ आ रही होगी कि अपने अपार्टमेंट में खड़ा हूँ। सर्दियों का मौसम है, इधर धुंध हुई हुई, अच्छी खासी मज़ेदार वाली सर्दी। और मेरे साथ है मिस्री जवाद अहमद और मनी हाइस्ट बंटी। मुझे पहचान लो। तो आपने इजिप्ट और दुबई सीरीज से पहले देखा था कि भाई ने एक गाड़ी ली, अल्हम्दुलिल्लाह। वो गाड़ी पे हमारा कोई ना कसर पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ट्रिप शुरू हो गया और वो सारा काम चलता रहा। तो आज कहाँ जा रहे हैं बॉयज़? हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद फिर आज हम अपनी नई गाड़ी पे जा रहे हैं इस्लामाबाद। और वैसे ही एक दो दिन का ट्रिप है, मुझे एक वहाँ पे छोटा सा काम है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो और ये साथ दोनों एम ही जुड़ गए। नहीं नहीं, प्लान हमारा बन रहा था वैसे भी कि एक पे एक ट्रिप मार के आते हैं, तो वो बाई चांस ही वो वाला सीन हुआ। मैंने कहा वन डे ट्रिप मार के आते हैं, आज जाएंगे, कल या परसों हम लोग वापस आ जाएंगे। निकले क्योंकि धुंध पहले ही का सुनते ही जवाद की जरा टैट सी हो गई है, कल ही आ जाएंगे। ये है जी हमारी गाड़ी। और अच्छा भी हम लोगों ने अपनी गाड़ी का नाम डिसाइड कर लिया है। पहले हमेशा नाम रखता होता है बंटी, इस दफा नाम रखा है मैंने, मतलब आपस में एक मिली भगत नाम है। और क्या नाम है गाड़ी का? ट्रॉफी। ट्रॉफी गाड़ी का नाम है ट्रॉफी। ये MGHS है, अगर मेरी आपने जिसमें हमने गाड़ी की डिलीवरी ली थी वो वीडियो देखी हुई तो आपको पता होगा, MGHS ट्रॉफी एडिशन। और ट्रॉफी नाम इसलिए नहीं है कि ये ट्रॉफी एडिशन है, ट्रॉफी नाम इसलिए, एक तो वो छोटा सा एलिमेंट है, ट्रॉफी इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत की एक ट्रॉफी दी है। और गाड़ी भी बड़ी प्यारी सी है, खूबसूरत सी, करके दिखा ट्रॉफी को यूं। ये हमारी गाड़ी का नाम अंदर लिखा भी हुआ है। तो जवाद साहब नाम कैसा लगा? बहुत प्यारा है, लॉजिक बहुत प्यारी है, वो लॉजिक ही तो गेम है। और बंटी कह रहा था कि इसको देसी नाम नहीं देना क्योंकि ये जरा फैंसी सी गाड़ी है, तो देसी नाम इसको सूट नहीं करेगा। परी शिकरी मिगरी तिगरी, वैसे जो हमने शिकरा नाम रखा है, शिकरा भी एक नायाब चीज है, देसी चीज नहीं है, लेकिन वो उसकी शक्ल देख के इसके मुंह में एकदम आया शिकरा। मैं कहूँ ये वाकई शिकरा। खैर हम ट्रॉफी पे अपना पहला ट्रिप मारने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लो जी बिस्मिल्लाह, ट्रिप शुरू करते हैं अपना। चल भी ट्रॉफी। ट्रॉफी का एक मसला है और वो मसला अच्छा भी है और बुरा भी है। मसला ये आप सुन रहे हो, ये बोली जाएगी चुप नहीं करेगी। और ये बात बहुत अच्छी है कि ये बोलती है कि बेटा सीट बेल्ट लगा, अदरवाइज मैं तुझे तेरे कान का जो बंटी काल कहता इसको चुप करवा ले। इसके एक और मसला भी था ना, क्या पैसेंजर वाली सीट पे भी है। दूसरा मसला इस गाड़ी के अंदर ये है, मतलब ये इतने बड़े मसले नहीं है लेकिन है, इसके जो सिग्नल आपने इशारा लाना होता है वो इस तरफ है और लाइट्स भी इसी तरफ है, डिपर शिपर आपने मारना हो और वाइपर इसका इस तरफ है। तो जब ये गाड़ी मतलब दूसरी सीट से कोई उठ के आए मैंने भी रात में फुहारे चला दिए थे इसके। मैं पहले दिन शोरूम से लेके निकला, मैंने 6 दफा इसका वाइपर चलाया। हमारी आधी डिग्गी जो भरी हुई है वो गाड़ी के कपड़े ने भरी हुई है, वो सामने अभी उसको निकाल के हम इधर। जवाद साहब ने एक माशाल्लाह, तेरा डेरा दिखा दूं? ये जवाद साहब ने एक माशाल्लाह डेरा बनाया, यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं और ये पता नहीं ये पालक लगी हुई है और वो सामने गोभी शोभी और इस तरह ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे गाड़ियाँ सारी खड़ी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस डेरे के बारे में? ये भाई एक ठूक होती है, एक चंगी बड़ी ठूक होती है, जवाब साहब की चंगी बड़ी ठूक। गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए प्लाट ही ले ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जवाद साहब को नजरबद से बचाए। भाई ये ऑर्गेनिक फॉर्म का टूर दे दिया। हाँ जी, आपके ऑर्गेनिक फॉर्म का टूर दे दिया। गाड़ी चलाने का उसके बाद मौका ही नहीं मिला। बंटी साहब ये उतार दें, अब पेंडापना काफी ज्यादा हो गया यार। पेंडापना नहीं, ये ठीक है। क्यों? ये वो छपड़ छपड़ छापर नहीं, ये ठीक है यार। अब कितना अरसा चढ़ाई रखना है इसको, उतार देते हैं। इट्स ओके, उतार दे छोड़ पर। क्या करना है इसको लगा के रख लेते हैं। उस तरह नहीं होते जिस तरह वो कपड़े वो होके आते हैं। नहीं नहीं, वो जिस तरह माशाल्लाह सीटें चेक कर अब। ये बड़ी बेहतरीन चीज है। हाँ, इसका बटन दबा के इसने खुद खोलना है। जब मैं इसको खोलता हूँ तो बंटी ऐसे खड़ा होता है इंतजार। खुल गया, रख दे आप फिर इंतजार। So you need a little break up, huh? Boy, say you need a little
हम लोग फंसे में इस टाइम रश में, और जवाब सब कहाँ का रश? मुल्तान रोड का, मुल्तान रोड का रश। अब आप सोच रहे हो कि हम लोग मुल्तान रोड से क्यों जा रहे हैं, हम लोग मोटरवे से क्यों नहीं जा रहे, उसकी वजह क्या है जी? अभी तक हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं, अभी तक हमारी गाड़ी, और ये मेरी जिद थी कि मुझे गुस्सा चढ़ा है, मुझे ना बुलाओ। क्यों मोटरवे से नहीं जा रहे? वो इस वजह से हम मोटरवे से नहीं जा रहे क्योंकि अभी तक हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई, और मेरी जिद थी कि जी हम MG पे जाएंगे, सो हमने जो है ना वो GT रोड से जाने का सोचा। बंटी को गुस्सा इस वजह से चढ़ा हुआ क्योंकि बंटी ने कहा था कि जवाब भाई आप अपनी गाड़ी निकाल लो, ठीक है हम MG खड़ी कर देते हैं और हम उस पे चलते हैं, मोटरवे से चले जाते हैं। जवाद भाई, जवाद भाई, अपने आप को इज्जत दे दी ना। ओ चलो गुड गुड गुड। तो अभी तक ये मेरी गाड़ी रजिस्टर नहीं हुई और मोटरवे ने एक लॉ पास कर दिया कि आप अपनी गाड़ी को MTAG के बगैर मोटरवे पे नहीं लेके जा सकते, और MTAG तभी लगता है जब आपकी गाड़ी को नंबर लगाओ। तो हम लोग मोटरवे पे जा ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग जा रहे हैं GT रोड से। और अभी तक ना तेरा शिकरा जा सकता है मोटरवे पे, शिकरा भी नहीं, गाड़ी तो जानी शुरू हो जाएगी, शिकरा तो बेचारा जा ही नहीं ना सकता। मोटरवे राना हमजा सैफ के लिए बनी ही नहीं है यार। मैं वो नहीं ना कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता, यू नो, मैं एडवेंचरस आदमी हूँ। खैर धक्के खाना चाहता हूँ। हम 11 बजे निकले थे, 11 बजे निकले थे, 11:44 हो चुके हैं, लाहौर में ही अभी तक हम लाहौर में ही हैं। अभी तो हम उसके GT रोड के पास, मतलब ये नियाजी अड्डे वाली साइड हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। जब हम दोस्त साथ हैं तो फिर कोई जलालत नहीं होती। क्या कह रहे हैं? गट जलालत है कि तू साथ है। सोने होते मित्रों, बारिश शुरू हो चुकी है, और जवाब तकरीबन कहाँ पहुँचे हुए हम? यार हम अभी लाहौर से थोड़ा सा ही बाहर आए हैं। नहीं थोड़ा सा नहीं, बाहर आए हैं। हाँ हम गुजरांवाला के करीब हैं, और टाइम हो चुका है 1:03, 1:03 हो चले, घंटे हो गए निकले हुए। हाँ 2 घंटे हो चुके हैं हमें निकले हुए। अब तक हमने कलर कार की पहाड़ियों करीब करीब होना इतना भी नहीं है अब जवाब। हाँ लेकिन काफी बेरा तो क्रॉस हो चुका हूँ। ये बंटी साहब मेरे साथ तब से क्या हरकतें कर रहे हैं, मैंने बूस्टर डोज लगवाई है, तो फाइजर लगवाने के बाद शोल्डर में बहुत पेन होता है। मुझे नहीं पता बाकी बूस्टर्स अगर कोई आप लगवाओ तो उससे पेन होता है या नहीं। ये पीछे बैठा है मेरे, सिर्फ मिनट बाद कहता ओ यार हमजा, और मैं को तेल ना करी जा। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी हुई, लेकिन ये दोनों ने ऐसी फेर दी है कि ये ले लो वो ले लो, बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिपैक टीवी की तरफ एक शेयर बॉक्स चाहिए। चिकन प्लस करेंगे? चिकन वैल्यू आप चिकन प्लस कर दें। एक चिकन प्लस शेयर बैग है आपका, ड्रिंक फांडा के साथ कितने आप कड़ में स्पाइसी चिकन करके राइट कर दे, एक आपका चिकन प्लस और ड्रिंक फांडा के साथ 2150। ओके जी, पहले हमने ड्राइव थ्रू में ऑर्डर किया, फिर मूड हुआ कि यार मौसम अच्छा हुआ है अंदर की बैठ के खाते हैं। तो अभी उनसे जवाब ने अंदर जाके पूछा कि हम लोग आ जाएं, वो कहते आ जाओ। जाती मैकडॉनल्ड है तेरा है क्यों? और ये हमसे वादा करके निकला कि मैं फोन नहीं यूज करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं तेरी स्टोरी से तो शेयर कर लूं। क्यों तू ना कर, शेयर बॉक्स में हमारे पास क्या क्या है? चिकन ना, फ्राइज चेक कर, इन्होंने बोल दिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला बर्गर, नगेट्स, फ्राइज, नगेट्स, 5 बर्गर आए हैं। हाँ 2 तो मेरे, 4 हैं नहीं, नगेट्स नहीं होते हैं उसमें, बस फिर वो नहीं, वो भी आई थी और कॉम्प्लीमेंट्री बर्गर दे गई हैं उनको, कहता हम यही ढूंढ रहे थे। ड्राइवर चेंज, मैं का ड्राइवर स्ट्रेट टू पिंडी। क्या क्या तबसरा करना चाहेंगे आप? क्या कुछ भी नहीं, क्या ना खुश होना था बच्चे। मुझे करनी है अपनी एक वीडियो कंप्लीट, अभी जो एडिट के अंदर है, और मैं भी बैठ के वो करूंगा। खूबसूरत मौसम इंजॉय हो रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी गंदी होगी, तो आजकल मेरी गाड़ी गंदी हो तो मेरा दिल गंदा हो जाता है। ओए जवाब साहब, दिल गंदे होने का तो मतलब अजीब सा नहीं हो गया? दिल खट्टा होता है, गंदा नहीं होता। अच्छा वो जो वो वाला होता है वो खट्टा होता है? वो खट्टा होता है। अभी वाला ये गाड़ी की वजह से गंदा हुआ है? मेक सेंस। बेचारी ट्रॉफी हमारी गंदी हो चुकी है थोड़ी सी, क्योंकि रास्ते में बारिश बहुत जगह पे मिली, और अभी उसके साइडों पे सारा वो टायरों से उड़ उड़ के कीचड़ जो है वो आ चुका है। अभी मौसम जो है वो फोगी होना शुरू हो गया, काफ़ी हो रही है, ठंड भी हो रही है। टाइम क्या हो गया जवाब साहब? 5। ये हर वीडियो में होता है जवाब साहब, टाइम हमेशा बता रहे थे। 5 बज चुके हैं, हम सुबह 11 बजे के निकले हुए, और अभी रवाब भी नहीं आया, अभी घंटा पड़ा है, सवा घंटा, घंटा सवा घंटा पड़ा है। GT रोड इस कदर जलालत, कितने मैक्सिमम स्पीड क्या रही है?
50, 60, 40, 35, बीच में कहीं 70-80 पे जाती है तो फील होता है वाह गाड़ी तेज चल रही है। अभी ज़रा फोक शोक होनी शुरू हो रही है, हमें भी रुके थे ज़रा, इसने एक नेचर कॉल इसको आई हुई थी वो ओपन ओपन ड्रॉप कर दिया, हाँ ओपनली छिड़काव कर दिया, फसलों को पानी लगा दिया, अभी हम जा रहे हैं दोबारा। बंटी और जवाब दोनों आगे बैठ गए, मैं पहली दफ़ा मेरे ख्याल है पीछे बैठा हूँ इस गाड़ी में, और मैंने ये इसके फीचर्स मुझे पता थे थोड़े से, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आर्म रेस्ट खोलें आप, इतना लग्जरी फील देता है ये, कितना प्रीमियम सा लग रहा है। और ये बटन दबाएंगे तो हमारे पास एक बक्सा खुल जाएगा जिसके अंदर वेलवेट लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। इसके अंदर कोई भी आप वॉलेट छोटी मोटी चीज़ें अगर आप अपनी रखना चाहते हो वो रख के इसको बंद करो, और ये खोलो तो ये दो प्यारे प्यारे से ग्लास रख के ऐसे ज़रा हाथ उत रख के बंदा इस पर बैठे। इस गाड़ी की सबसे मज़ेदार चीज़, ड्राइवर को तंग करते रहो ऐसे ऐसे करके, ये तो तंग हो भी जाता है। मैं तेरी गाड़ी चला रहा हूँ देख ले। जवाद हमारा रूम वो ऊपर वाले टेरेस पे है ना, राइट साइड सेकंड फ्लोर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और आज हम कितने घंटे बाद पहुंचे? 7.5 घंटे बाद। 7.5 घंटे में लाहौर से इस्लामाबाद का सफर आप सोच सकते हो कि क्या सीन है। इतनी देर में वापसी हुई थी, वापसी हुई थी, और हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, तेरे पता आर्मी निज़ाम इन्फेंट्री ऑफिसर मेस। ये हमारा रूम है, आपको आते ही रूम टूर दिया जाएगा। ओ दो प्यारे प्यारे सोफे पड़े हैं, हीटर उन्होंने हमारे आने से पहले चला दिया इस तरफ, ये यहाँ पे आगे हमारे दो सोफे, यहाँ से पर्दा साइड पे, और जो नीचे से मैं आपको टेरेस दिखा रहा था वो ये बाहर है, और यहाँ से ये बाहर एक प्यारा सा टेरेस, इस्लामाबाद की फील, और मौसम सही अच्छी अच्छी वाली सर्दी है, मज़ेदार सी सर्दी ठंडी सी सर्दी। yes. इतना सुकून है नीचे, यहाँ पे इस साइड पे पार्किंग है, सामने लॉन्च ऑन है, सुकून से यहाँ पे खड़े हो, सुबह भी एक प्यारा सा व्यू मिलेगा। इधर से इस तरफ आ जाती है LED। खैर जी रूम से इस तरफ ये कबर्ड शबर्ड बने हुए हैं यहाँ पे सारे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी हर वीडियो के रूम टूर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला नहीं, सामने शावर एरिया है, और इधर से आके अच्छा भाई अब मैं आपको सारा सीन बताता हूँ कि हम लोग इस्लामाबाद क्यों आए हुए हैं, और ये चीज़ बंटी और जवाद को बिल्कुल भी नहीं पता जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसलिए मैं आके गाड़ी में बैठा हूँ, और उनको क्यों नहीं बताया हुआ ये भी मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सीन ये कि मैंने US का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, और सुबह मेरा US एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है, कल की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो किसी को भी नहीं पता इस चीज़ का कि मैंने US का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और मेरा कल इंटरव्यू है, मैंने किसी वजह से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है ये मैं आपको कल ही बताऊंगा इंटरव्यू होने के बाद, अगर अल्लाह करे हमें वो वीज़ा मिल जाता है, मुझे कोई पता नहीं है, बड़ा ये अनप्रिडिक्टेबल सा सीन है। अभी ये जो मेरा ये वाला बैग है इसके अंदर इतने मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस सारे प्रोसेस के इकट्ठे किए हुए हैं, जो सुबह जाके मैंने प्रेजेंट करने हैं, वहाँ पे इंटरव्यू देना है कि ये सीन है, मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ, और मैं आपको वो कल अगली वीडियो में बताऊँगा, मैं अभी नहीं बता सकता, जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद आया हूँ। बंटी और जवाद को मैंने ये बताया हुआ कि मेरी एक मीटिंग है। खैर ये वाला सीन है, अभी मुझे कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा काम करना है, इसलिए मैं उनको कह के आया हूँ कि यार ओए ए चल ना, तो अभी दोनों को मैं गेड़ा देके आया हूँ कि यार मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आता हूँ गाड़ी में बैठ के, हो सकता है अभी पूरे दिनों के हैं, हो सकता है अभी भी सोच रहा हूँ कि ये आज अकेला इधर क्या मतलब है, ये प्रिंट निकलवाने जा रहा है अभी नीचे अकेला, वरना कभी भी कैमरा साथ हो, हम दोस्त इकट्ठे हों, तो मैं उन्हें कभी नहीं कहता कि यार सब्र करो मैं ज़रा एक रिकॉर्ड करके आता हूँ, अभी मुझे वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद सोना भी है, बनियान पहन के बैठा हुआ, सवा एक हो चुका है। हम लोग बंटी के एक कज़न हैं, हम सबके भाई, तो उनके साथ हम खाना शाना खाने बाहर निकल गए थे, तो खाना शाना खाया, उसके बाद चाय शाय पी। खैर इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख रहे भाई को तो हमें याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है।